Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start the next unit. Unit number 3 from your mathematics book. So open your maths book. Open the page number 23. Unit number 3, Roman numerals. So students, what are the Roman numerals? रोमन न्यूमरल्स पता है ना हमें क्या होते हैं. वी यूज़ न्यूमरल्स टू राइट नंबर्स. नंबर्स को लिखने के लिए हम लोग न्यूमरल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ अ न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. बट समटाइम्स वी यूज़ रोमन न्यूमरल्स लाइक दिस वे. ठीक है, हम लोग समटाइम्स रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते हैं. तो रोमन न्यूमरल्स में आप लोगों को ये टेबल सबसे पहले याद करना है. ठीक है, इन सभी की हेल्प से हमने नेक्स्ट काउंटिंग लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे 0 to 9 से लेके ये नंबर सिस्टम में ही सारे नंबर्स इसी इन्हीं के साथ आते हैं, तो रोमन न्यूमरल्स में भी सभी नंबर्स इन्हीं के साथ आ जाएंगे आपके पास, पूरी काउंटिंग जो होगी. ठीक है, सो रोमन न्यूमरल्स 1 को आप इसके साथ डिनोट करोगे, आई के साथ, 5 को वी के साथ, 10 को एक्स के साथ, 50 को एल, 100 होता है सी, 500 डी, 1000 M. ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं. I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. Okay, so let's start the exercise 3A. And the first question is, write the numbers shown by the Roman numerals. ठीक है, इनके numbers लिखने हैं जो ये Roman numerals show कर रहे हैं हमें. ठीक है, तो first तो ये जो अभी read किया हमने वही table दिया हुआ है. I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. Clear? अब हमारे पास है I, 1 plus 1, 2, 1 plus 1 plus 1, 3. X है हमारे पास 10, 10 plus 10, 20. 10 plus 10 plus 10, it becomes 30. C means 100, 100 plus 100, 200. 100 plus 100 plus 100, it becomes 300. Clear? Next है IV, 1, 5. ठीक है, अब इसके कुछ rules होते हैं students. जो 1 है 5 के comparison smaller है, अगर तो smaller वाला left side पे है then ये दोनों minus होंगे, subtract होंगे. अगर smaller right side पे है तो ये add होंगे. ठीक है, अगर तो smaller left side पे है, smaller वाला number left side पे है numeral, तो वहाँ पे ये minus होंगे. अगर smaller right side पे है तो वहाँ पे add होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे IV 1, 5, तो ये left side पे है तो यहाँ पे क्या होंगे, minus. 5 minus 1, it becomes 4. लेकिन यहाँ पर VI means 5 plus 1, अब ये दोनों क्या होंगे, प्लस, क्योंकि 1 उसकी राइट साइड पे है. 5 plus 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा ये. ठीक है, 1 1 10, 1 ऑन द लेफ्ट साइड, सो सब्ट्रैक्ट दिस, 10 minus 1 9. ठीक है, X means 10 और ये क्या है, 4, अभी हमने पढ़ा, 10 plus 4 14. 10 प्लस ये है हमारे पास 9, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, और ये 10 के राइट साइड पे है स्मॉलर 9, देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इट बिकम्स 19. एक्स प्लस एक्स, 10 plus 10 20 plus 4 24. एक्स प्लस एक्स मीन्स 10 plus 10 20 plus 9 29. 5 plus 1 6 plus 1 7. रोमन में ये 5 plus 1 6 plus 1 7 plus 1 8.
एक्स मीन्स टेन, टेन में प्लस वन किया इलेवन, टेन प्लस वन इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, टेन प्लस वन टू थ्री, टेन प्लस थ्री थर्टीन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव। क्लियर? तो आप लोगों ने रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में ऐसे लिखने हैं सिंपल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पे हमने रोमन न्यूमरल्स को यूज करना है, हिंदू अरेबिक दी हुआ है, रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। थ्री कैसे लिखोगे? आई आई आई, ठीक है, वन वन वन। फोर के लिए वन फाइव, फोर वन जो होगा लेफ्ट साइड पे रखेंगे ना, तभी फाइव में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो वन वी। वन के लिए वन टू, नाइन टेन में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नाइन, एक्स मीन्स टेन, तो टेन के नीचे एक्स आएगा। टेन में प्लस वन करना है तो वन उसकी राइट साइड पे आएगा। फिफ्टीन, टेन प्लस फाइव करना है तो फाइव राइट साइड पे। थर्टीन, टेन लेफ्ट पे और थ्री राइट पे। सिक्सटीन में भी सेम, जब ऐड करना है तो स्मॉलर वाला राइट साइड पे आएगा, ठीक है। सेवन, फाइव प्लस वन सिक्स, प्लस वन सेवन एंड देन फाइव। एट में वी, वन वन वन, फाइव सिक्स सेवन एट। फोर्टीन, एक्स में मीन्स टेन में कितने ऐड करोगे? फोर, फोर होता है वन वी, आई वी, ठीक है। एटीन, एक्स मीन्स टेन, टेन में एट प्लस करने हैं, एट का क्या लिखा हमने अभी? वी आई आई आई, ठीक है। नाइनटीन में एक्स प्लस टेन प्लस नाइन, नाइन क्या होता है? टेन में से अगर वन माइनस करेंगे तो वन जो है एक्स के, आई जो है एक्स के लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। एक्स प्लस टू, ट्वेल्व के लिए सिक्स, सिक्स में आएगा वी मीन्स फाइव प्लस वन। सेवनटीन, एक्स प्लस सेवन, एक्स वी वन वन। ट्वेंटी, एक्स एक्स, एक्स प्लस एक्स मीन्स टेन प्लस टेन ट्वेंटी। क्लियर? एंड राइट वन टू ट्वेंटी यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स हमने अभी लिखने सीखे हैं ना, तो वन टू ट्वेंटी आप यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स की काउंटिंग लिखोगे, ठीक है। जैसे वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज राइट द टाइम। हमने यहाँ पर टाइम मेंशन करना है, ठीक है। टाइम कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? जैसे हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट क्लॉक है, रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं इनके बीच में, ठीक है। तो स्मॉल वाला हैंड टू पे है और बिगर हैंड ट्वेल्व पे, टू, ठीक है, टू ओ क्लॉक हो रहे हैं यहाँ पर। सेम इसमें स्मॉल वाला हैंड किस पे है? ये क्या होता है? फाइव प्लस वन सिक्स, प्लस सेवन, प्लस वन सेवन, प्लस वन एट। ये एट है, स्मॉल वाला हैंड एट पे और बिगर हैंड ट्वेल्व पे। एक्स प्लस मीन्स टेन प्लस टू ट्वेल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एट ओ क्लॉक। देन नेक्स्ट में स्मॉल वाला हैंड किस पे है? फाइव माइनस वन, ये कितना हो गया? फोर। और ये कितना है? वन टू थ्री, ठीक है। स्मॉल वाला हैंड किस कहाँ पर है? थ्री पे है, इससे थोड़ा आगे जा रहा है क्योंकि ये हाफ पास्ट हो गया है, ठीक है। आधा घंटा निकल चुका है थ्री ओ क्लॉक के बाद। तो फाइव प्लस वन है, बट बिगर हैंड कहाँ पर है? सिक्स पे। तो इट बिकम्स थ्री थर्टी, कितना टाइम हुआ? थ्री थर्टी। अब यहाँ पर स्मॉल हैंड किस पे है? एक्स मीन्स टेन।
एंड बिगर हैंड 6p. यहाँ पे कितना हो गया 10:30. एंड नेक्स्ट स्मॉलर हैंड 4p है, बिगर हैंड 6p, तो 4:30. ठीक है, 6p है ना, तो मिनट्स वाला आपको पता है ना, जितने भी होता है मिनट्स को आपने उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना. 6p है बिगर हैंड, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 5 = 30, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 30 मिनट्स. क्लियर? सो होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन आई विल सेंड द रिटन असाइनमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.